सुप्रभात मित्रों, मैं आपकी सत्य चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि जैसे हम लोग अभी तक लगातार कई दिनों से प्रक्रिया चल रही है। देखिए, यहां पर हमारे हम लोगों के सामने प्रश्न कम रहते हैं, लेकिन हमको यहाँ मूल्यांकन करने की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित होते हैं। तो एक काम करना है आपको कि जल्दी से आपको उत्तर देते रहना है कि हमारा उत्तर कैसे सही हो जाए, और यहाँ देखना है कि किसका सबसे पहले सही हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि पीजी की में जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, सुधी पाठक होते हैं, वो सबके सब अच्छे से पढ़ते भी हैं, लेकिन ज्यादा ये ध्यान देना है कि हमसे गलतियां ना हो। पीजी की में एक ही चीज बचाना होता है कि हमसे किसी भी प्रश्न में गलती ना हो। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होता है जो वास्तविक पीजीटी की तैयारी करने वाला होता है, उनको लगभग लगभग सारी चीजें तैयार होती हैं, क्योंकि जो टीचरों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन होते हैं, कुछ अपने आप से यहाँ से मैटर प्रोवाइड कराया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, तो वही सारी चीजें घुमा फिरा करके आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाती है। लेकिन आपको कंसंट्रेट होने के लिए जरूरी है कि आप पहली चीज तो इसको पढ़ें। इसको पढ़ने के साथ साथ आप एक काम यह करते रहिए, बार बार हमेशा जो प्रैक्टिस आप जरूर करिए, यहाँ जो कराया जा रहा है उसको करिए, प्लस आप अपने घर पर जो भी मॉडल पेपर वगैरह हो उनको आप प्रैक्टिस करिए। जहां आपको कहीं विसंगति आती है किसी भी प्रश्न में, वह आप लोग यहाँ पर बात करते रहिए अपने टीचरों से, आप इसके वीडियो के माध्यम से आप बात करते रहिए, सर इस प्रश्न में मुझे ऐसी समस्या आ रही है, मुझे इसका समाधान, वो सारी चीजें आपके लिए होती रहेगी। आइए दोस्त, हम लोग चलते हैं अपने मूल प्रश्नों की तरफ कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो यह प्रश्न आता सबको है, लेकिन आपको आने के साथ साथ किसको पहले आता है और कौन गलती नहीं करता है, यह ध्यान देना है। जैसे पहला प्रश्न है, वह द्वार द्वार भीख मांगता है में कारक चिन्ह होगा। यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके यहाँ आते हैं। अब देखिए, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा होगा, अधिकरण है कि संप्रदान, अपादान या करण, यहाँ पर चार विकल्प आपके दिए हुए हैं। अब देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, अधिकरण में होगा में और पर, संप्रदान का चिन्ह होता है कोया के लिए, यहाँ पर हमने ध्यान दीजिएगा अभी बता रहा हूं। अपादान, अपादान का अर्थ क्या हो, यहाँ आएगा से का अर्थ किस अर्थ में आता है, अलगाव के अर्थ में आता है। करण में क्या होता है, से का यहाँ प्रयोग क्या होता है, साधन के रूप में। यहाँ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कारक चिन्हों को, और हमने यहाँ पर विधिवत आपको सूत्र भी बताया है, वहां विधिवत मैंने बताया भी, और कारक इतने ही नहीं होते, कारक चिन्हों में जो आपको कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इत्यादि बताया कि तो एक एक कारक चिन्ह बताए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि कहाँ बुलाने का प्रयोग, जब बुलाने पुकारने का बोध होता है तब को का प्रयोग का किस में होता है, और जहां पर लेने देने के, जैसे एक होता है कर्म कारक में भी को का प्रयोग होता है, और एक आपका इसमें होता है कर्म में भी को का प्रयोग, संप्रदान कारक में भी होता है और को का प्रयोग कर्म कारक, लेकिन संप्रदान कारक में को का प्रयोग तब होगा जब लेने देने के अर्थ में होगा, लेकिन कर्म कारक में को का प्रयोग तब होता है जब किसी को बुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना, सुलाना ऐसी क्रिया होती है, तब को का प्रयोग होता है। यहाँ अपादान कारक में से का प्रयोग और करण कारक में, लेकिन अपादान का प्रयोग तब होता है कि जब एक दूसरे से क्या हो, अलगाव की स्थिति हो, और करण क्या होता है, जब साधन का बोध हो, तो वहां करण कारक का बोध होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं गांव से आया और मैं ट्रेन से आया, दो वाक्य है, मैं गांव से आया, मैं ट्रेन से आया, एक ही वाक्य है, लेकिन दोनों दोनों चीजों में वाक्य थोड़ा सा अंतर हुआ है, लेकिन एक करण कारक का उदाहरण हो जाता है और एक अपादान का हो जाता है। अपादान कारक में क्या होगा, मैं गांव से आया, मतलब गांव से मेरा अलगाव हुआ, लेकिन मैं ट्रेन से आया, साधन से आया, इसलिए क्या हो जाए, करण कारक। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। तो यहाँ पर साइलेंट अप्रत्यय कारक, यहाँ प्रत्यय कारक चिन्ह नहीं लगे, लेकिन फिर भी अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियां मतलब कारक चिन्ह होते हैं, वे क्या कहलाती हैं। तो ये भी अगर हिंदी के अगर आप सुधी पाठक होंगे और पीजी की में आपकी थोड़ी सी भी रुचि अगर होगी, तो इसका कमेंट आप कमेंट में आप जल्दी से आप इसका उत्तर लिख के दीजिए कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपको ऐसे ध्यान देना है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं,
तो ये अगर पीजीपी का विद्यार्थी है, थोड़ी सी भी अगर जिज्ञासा वाला व्यक्ति होगा तो ये चीजें जानता होगा, खास करके जो मुझसे पढ़ा होगा, चाहे वीडियो आप लेक्चर में पढ़े होंगे जो हम लोग लगातार पढ़ाते रहते हैं, लेक्चर पेड जो आपको पेड लेक्चर जो आता है वहां भी हमने बताया है, और यहाँ अगर जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक दो दिन पहले मैंने इनकी चर्चाएं की है। और अगर आप हिंदी के वास्तविक के कोई जरूरी नहीं, अगर कोई टीजीटी के अलावा भी अगर यह कोई वीडियो देख रहा होगा या लेक्चर देख रहा होगा, वो भी ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये आसान प्रश्न देखिए, यहाँ टीजीटी लिखा है, और टीजीटी के लिए तो खास करके मेरा जो उद्देश्य है, मैं टीजीटी को ध्यान में रख के बनाया हूँ, लेकिन अगर यह व्याकरण का पार्ट है, व्याकरण में ऐसे प्रश्न रहते हैं वो चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, वो हर व्यक्ति इसको देख सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। चलिए, अगर संज्ञा के साथ आने वाली जो विभक्तियां, विभक्तियां मतलब क्या होते हैं, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जो आते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कैसी होती है, क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त होती है कि संश्लिष्ट होती है, विश्लिष्ट होती है, या दोनों। संयुक्त मतलब होता है जब दो विभक्तियों को एक में जोड़ दिया जाए, वो संयुक्त विभक्ति हो जाएगी। संश्लिष्ट का मतलब होता है शब्द के साथ, ध्यान दीजिएगा, शब्द के साथ जब विभक्ति जुड़ी हो, और विश्लिष्ट मतलब होता है शब्द से क्या हो, अलग हो विभक्ति, तो वह क्या कहलाती है, विश्लिष्ट कहलाती है। और जब मैंने कई बार पढ़ाया है दोस्त, मैंने बताया है कि जब कारक चिन्ह संज्ञा के साथ आ जाए, विशेषण के साथ, क्रिया अव्यय के साथ आ जाए, तो वह हमेशा क्या होते हैं, अलग लिखे जाते हैं। और जब सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह आते हैं तो वह साथ में, तो संश्लिष्ट होता है सर्वनाम के साथ, और विश्लिष्ट होते हैं आपके यहाँ पर संज्ञा के साथ। तो संज्ञा के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती है वो क्या होती है, अलग, इसलिए यह विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है। ऐसे प्रश्न आपके यहाँ बार बार परीक्षा में आते हैं, और ये सारे प्रश्न अगर देखकर जल्दी से आप का उत्तर दीजिए। एक ही वाक्य में, एक ही प्रश्न में कई कई विकल्प दिए हुए हैं, और यहाँ जो विकल्प के साथ आगे पीछे हमने दे दिया सेट करके, इसको आप देखिए, यहाँ गंभीरता से आपको उत्तर देने की जरूरत है, यहाँ जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो गलती होगी, और बिल्कुल निश्चित है गलती होना, तय होना, लेकिन वही व्यक्ति सफल होगा। यही पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 में मात्र आप विश्वास करें मेरे ऊपर, तो आप देखे भी होंगे प्रैक्टिस 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मेरिट का निर्धारण करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हर व्यक्ति को क्वेश्चन 100 तक पहुंचा देता है, और सिलेक्शन होता है लगभग 115, 18, 20 तक। तो आपको जरूरत है किस चीज की, एक भी प्रश्न अगर हमसे गलत हुआ तो मान लीजिए मैं सिलेक्शन से पीजीटी में बाहर हुआ। खास करके हिंदी और हिस्ट्री में या सब सोशल के सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा विद्यार्थी और सबसे ज्यादा मेरिट इन दोनों की जाती है। अगला है कि कौन सा समूह किस लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है। अब देखिए, चट्टान, पृथ्वी, मणि, आलू, ये शब्द बता रहा है कि स्त्रीलिंग है। विनय, सहाय, पवन, इसका लिंग बता रहा है, उभयलिंग में है। अश्रु, मधु, हेतु, सेतु का लिंग बता रहा है, पुल्लिंग है। गेरे, सस्य, रबे, वार, पाते, मुनि आदि शब्द के बारे में कह रहा है, ये पुल्लिंग। लेकिन शब्द हमारे पास क्या देखना, ये नहीं, जैसे कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो आप पुल्लिंग की दृष्टि से क्या है, गलत है, वह किसी लिंग दूसरे लिंग में है और इसमें लिख दिया गया, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग इसका उत्तर दीजिए दोस्त कि क्या हुआ। तो चट्टान, पृथ्वी, मणि, आलू किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में। विनय, सहाय, पवन, उभयलिंग। अश्रु, मधु, हेतु, सेतु पुल्लिंग है। गेरे, सस्य, रवि, वार क्या है, पुल्लिंग है। तो चलिए ठीक है, मैं आप बता रहा हूँ, तो यही सब जरूरत है कि ऐसे प्रश्न जब टिक्कल प्रश्न आते हैं तो जरूरत लगती है किसी अध्यापक की, किसी अध्यापक के मार्गदर्शन की। शायद इसमें से जो भी लोग उत्तर दिए होंगे आपको पता होगा, अभी मैं बता रहा हूँ कितना उत्तर आपका सही है, कैसे आप गलत करते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं दोस्त, मैं हूँ आपके साथ, चंद्रा इंस्टीट्यूट है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्त देखिए, चट्टान क्या होती है, यह स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी क्या होती है, स्त्रीलिंग। मर क्या होगी, स्त्रीलिंग। लेकिन आलू जो है यह क्या होता है, पुल्लिंग होता है, इसलिए यह विकल्प जो होगा वह स्त्रीलिंग की दृष्टि से क्या हो जाए, गलत है। विनय, सहाय और पवन का प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी। अस्त्र, मधु, हेतु, सेतु का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है। गिरी, सस्य, रवि, वार का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। इसलिए अगर आपसे हम बात करें यहाँ पर, तो आलू का लिंग क्या है, पुल्लिंग, बता क्या रहा है, स्त्रीलिंग। इसलिए विकल्प यहाँ पर अशुद्ध वाला यही होगा, तीसरा विकल्प।
अगला प्रश्न हमारे पास है कि जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं। और यह भी आपसे उम्मीद करता हूं कि पीजीटी के विद्यार्थी हैं तो आप भी इसका उत्तर देंगे। जल्दी से आप इसका कमेंट में आप दीजिए क्या उत्तर आप देना चाहते हैं। चलिए, तो जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं, वो आपकी क्या होगी, भाषा, उपभाषा, संपर्क भाषा और बोली। देखिए यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट दिया था, हर कक्षा जब मैं पढ़ाने चलता हूँ सबसे पहले मैं वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं इनकी पूरी व्याख्या करता हूँ, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है, लोग यहाँ पर फिर संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, मैं सबकी विस्तृत व्याख्या किया हूँ कि कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़े तो उसको ये चीजें फिर दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े और उसी को नोट्स बना लेते हैं, लड़कों के पास सारी चीजें हो जाती, बस इसको बार बार दोहराने की जरूरत है। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर दो चार दस वर्णों को बोलना प्रारंभ कर दे या वर्णों को व्यवस्थित कर दे, जैसे 52 वर्ण है हिंदी में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वर्णमाला। लेकिन अगर उनसे कोई अर्थ निकलने लगे तो क्या बन जाते हैं, शब्द। और जब किसी शब्द को हम क्या करते हैं, उसमें कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो पद कहलाते हैं। जब कई पदों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वह वाक्य बनता है, और जब कई वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाती है, उपभाषा के नाम से हम, और तब वो क्या कहलाते हैं, वो एक वाक्य। लेकिन जब हम कई वाक्यों का निर्माण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम कई वाक्यों को एक साथ बोलचाल का माध्यम बना लिए, स्थानीय लोगों से बातचीत करते रहे, तो वह क्या कहलाने लगते हैं, तो उस समय क्या कह रहा है कि वह बोली कह। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, तो स्थानीय लोग मतलब किसी क्षेत्र विशेष में आप जहां रहते हैं वहां के लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, यहाँ बोली आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसलिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता जिस समूह में करती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बोली के नाम से जानते हैं। संपर्क भाषा वह होती है जिस भाषा को देश की अधिकांश जनसंख्या बोलती है, संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह प्रश्न आपके यहाँ को महत्वपूर्ण है, और यह परिभाषा ऐसी परिभाषा है जो हमारे सामान्य हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टीजी पीजी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, यह परिभाषा वह न जानता हो, तो जल्दी से दोस्त आप इसका उत्तर दीजिए कि आप कहाँ हैं, आप क्या उस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं। यदि हाँ आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप जल्दी से दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए परिभाषा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को साझा करता है वह क्या कहलाता है, समस्त रूप से उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी जैसे हम हैं दो चार ध्वनियों के माध्यम से जो हम आप जैसे कुछ हम कहते हैं तो दूसरों की बात को कुछ सुनते हैं, फलाद भी धमाका भी दो चार दसों के दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, अपने भावों को बताते हैं, दूसरे भावों को समझते हैं, वह परिभाषा मूल रूप से वह क्या कहलाती है, भाषा। ये परिभाषा किसने दिया, श्वेत महोदय, श्याम सुंदर दास, मंगल देव शास्त्री, बाबू राम सक्सेना। तो यह परिभाषा हमारी किसकी है, बाबू राम सक्सेना की है। यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप कहीं भी अब नोट कर लीजिएगा, यह परिभाषा हमेशा पूछी जाती है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, आज हमने प्रश्न ऐसा लिया है कि थोड़ा सा आप लोग जो भी रहे होंगे विद्यार्थी, अगर थोड़ी सी जानकारी कम रही होगी, नवाभ्यासी होंगे तो वहां उनको समस्याएं आज आ रही होंगी, क्योंकि आज का जो पेपर का लेवल है ये धीरे धीरे, हमारा उद्देश्य है कि इसको हम धीरे धीरे क्या करें, आपका लेवल बढ़ा दे, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता है तो हम लोगों को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि हम कहाँ थे। उपमंडूक तो नहीं है, कुएं के मेंढक की तरीके से तो हम लोग नहीं है, हमेशा अपने आप को निखारना है, बाहर आना है, मार्केट में आना है, छाना है, तो आपको फिर मेहनत करने की जरूरत है। और वह मेहनत आपको कहीं कुदाल नहीं चलाना है यार, अरे आपको दिमाग की मेहनत करना है, दिमाग से काम लेना, पढ़ना कम है समझना ज्यादा है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, जैसे वाग धन हरि बराबर वाग घन, दृश्य धन ता बराबर दृष्टा, ततः धन ठकार बराबर ततस्थकार, महत धन नकार बराबर महंडकार। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार किसी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, और दम है तो आप लोग इसका उत्तर देख के दिखाइए, मैं देखता हूं कितने लोगों का सही हो रहा है, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। हाँ,
जब आपका उत्तर आता है और हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमारे जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सुनी पाठक अच्छे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए, कुछ और करने की जरूरत है दोस्त, तो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग भी इसका उत्तर देते रहिए। देखिए दृश्य धनता, ये ता के बाद एक ता आता है तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ता में, यह विकल्प सही है। तथा धन टकार, ता के बाद ये था आता है, विसर्ग के बाद यदि था आता है तो जो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है, ये भी विकल्प है। महत्व धन टकार, ता के बाद अणा आने पर ता का परिवर्तन अणा में हो जाती है, भी सही है। लेकिन यहाँ देखना है कि वाक धन हर यह होता अगर तो ये हो जाएगा। देखिए अगर का के बाद हा आता है तो का परिवर्तन किसमें हो जाता है, गा में, और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है, घा में हो जाता है, तो वाक धनहरि बराबर होता है वाकघरि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान अलंकारान प्रचक्षते, तो आपको ध्यान देना है कि यह परिभाषा भी आपसे अलंकार के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती है। अब यह प्रश्न आपके यहाँ सामान्य हिंदी के लेवल से थोड़ा ऊपर जा रहा है। काव्य शास्त्र की परिभाषा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार की परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा आपकी दंडी की है, और दंडी की परिभाषा खूब पूछी जाती है, तो इसलिए आपको जल्दी से यह भी देख लीजिए। अच्छा अगला प्रश्न है कि छोटा बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, इसमें छंद कौन सा है। ऐसे प्रश्नों में आपसे छंद पूछ लिए जाते हैं, तो छंद के लिए विकल्प आप देख लीजिए कि इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा मालिनी और शालिनी, उपेंद्र वज्रा मालिनी और शिखरणी, चार विकल्प है। तो इसको आप लोगों को देखना है कि अब देखिए हम विकल्प नहीं, इनको जानने के लिए हमको एक चीज की जरूरत हुआ है कि ये ऐसे शब्द होते हैं कि जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद में अभी तक हमने आपको कई दिनों से बताया कि मात्रिक छंदों के बारे में, अब हमको पढ़ना किसके बारे में, वर्णिक छंद, वर्णों की, जहां पर वर्णिक छंद होते हैं वहां पर हम गणना किसकी करते हैं, वर्णों की गणना करते हैं। एक सूत्र हम आपको बताए थे कि यमाता, वर्णिक छंद पढ़ने के लिए हमको जरूरत किसके थे, यमाता राजभान सलगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यमाता राजभान सलगा सूत्र से हम आठ बनाते हैं क्या गण, और ही गणों के आधार पर हम वर्णों की यहाँ पर गणना करते हैं, तो वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र है इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा, तो ये फिर उसके बाद तमाम यहाँ विकल्प दिए गए हैं, इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा मालिनी और शिखरणी छंद। तो आइए दोस्त हम देखते हैं कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा ये क्या होते हैं। इंद्रवज्रा में चले हम बात करते हैं उपेंद्र, एक चीज हमको बनाना है कि यमाता राजभान चलगा ये किस वर्ण में होगा। तो ये तीन तीन वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा एक गण बन जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तभजौ तिलका तत जगौ उपेंद्र, तो तगण में क्या होता है, नहीं आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा, तो इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा, अभी हम बात करते हैं तीन तीन का क्रम बना ले, फिर से एक बार देख लीजिए ये तीन तीन का क्रम हम बनाते हैं, और तीन को क्रम बनाने के बाद जब ये दूसरे दो वर्ण बनते हैं और तीसरे हमारे पास नहीं बन पाते हैं तो उनको हम गुरु या लघु के नाम से जानते हैं। अब गण हमारे पास कैसे बनते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं, यमाता राजभान सलगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, इसको देखिएगा ध्यान से, कि तीन तीन वर्णों को मिला के हम गण बनाते हैं, तो सबसे पहले हम या लिखेंगे मा और ता, या मा और ता, तो यमाता में क्या हो जाएगा हमारे पास ये गण क्या कहलाएगा, यगण कहलाता है। अब यगण में देखिएगा जिसमें छोटा की मात्रा होगी वहां लघु, जहां बड़ा की मात्रा होगी वहां गुरु, लघु गुरु और गुरु। अच्छा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये मगण, तो मगण में हम क्या लिखेंगे, मा ता और रा, तो इसको हम जानते हैं मगण के नाम से, और मगण में जो मात्रा होगी गुरु गुरु और गुरु की होगी। मगण के बाद फिर आता है ता का क्रम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ता रा ज, तो ता राज में क्या करेंगे, हम मात्रा लगाएंगे गुरु गुरु और लघु की, और यहाँ पर इसको हम तगण के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ऐसे क्रम हम बनाते चले जाते हैं, और उसके बाद में रगण अगला आता है,
रगड़ का, रगड़ में हम लिखते हैं राजभा, तो राजभा में क्या करेंगे गुरु, लघु और गुरु के नाम से जानते हैं। फिर क्या हो जाएगा जगड़, तो हम लिखेंगे जगड़, जगड़ में हम लिखेंगे जभान, और जभान में क्या होता है लघु गुरु और लघु। अब देखिए यहाँ पर क्या है लघु आया, फिर क्या है गुरु, फिर उसके बाद लघु आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा एक जगण होना चाहिए। फिर उसके बाद भी हमारे पास दूसरा चीज क्या होना चाहिए तगण, दूसरा क्या कह रहा है गुरु लघु और गुरु, गुरु और लघु आना चाहिए, तो किसमें आ रहा है तो आप देख लीजिए गुरु गुरु और लघु, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तगण हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा एक आपका फिर जगण होना चाहिए, लघु गुरु और लघु अगर फिर हो जाएगा तो एक जगण यह फिर हो जाएगा। और दो वर्ण क्या होने चाहिए या गुरु वर्ण के होने चाहिए जिसमें बड़ा की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा लगी होती है, ये आपके गुरु। तो आपका यह जो होगा अच्छा, उसके बाद परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए वही कंडीशन यहाँ भी है, एक जगण एक तगण और एक जगण, तो आपका उत्तर हो जाएगा और यहाँ दो गुरु वर्ण हो गए। तो आपका जो ये उपेंद्र वज्रा का सूत्र होता है तत् जगौ इन उपेंद्र, तत् नहीं तो आपका जत जगौ उपेंद्र, फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा जत जगौ उपेंद्र, यह एक सूत्र होता है किसका उपेंद्र वज्रा का। तो कह रहा है एक जगण हो एक तगण हो एक जगण हो, और अंत में अगर दो गुरु वर्ण ये गुरु वर्ण ये एक गुरु वर्ण ये अगर आ जाते हैं तो यह छंद हमारा क्या हो जाता है उपेंद्र वज्रा का छंद हो जाता है। तो यहाँ आपसे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। यहाँ देखिए मित्रों मुझे पता है कि थोड़ा समय अभाव होता है, हमको यहाँ पर गणवी बनाने की विधि बताना है, उसके बाद हम कैसे हम सूत्र बनाते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको विधिवत वहां पर जहाँ लेक्चर के आप पेड लेक्चर वाले जो आपके दिए जाते हैं वहां आपको एक विधिवत रूप में छंद के बारे में कौन वर्णिक छंद है कौन मात्रिक छंद है मैं वहां पर विधिवत बताया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपेंद्र वज्रा में कहता है कि यदि एक जगण हो एक तगण हो एक जगण हो, अंत में दो गुरु वर्ण का क्रम अगर एक साथ में आ जाता है तो यह आपका उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि जहां सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां आपका उत्तर हो जाता है अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का काकर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह उदाहरण होता है जहां किसी सामान्य बात की बात कर रहा है कि जो रहीम, यदि रहीमदास जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है उसके साथ गलत व्यक्ति अगर आ जाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका समर्थन कैसे करा रहे हैं। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष चंदन शीतल है उसके वृक्ष में दिनभर सर्प लिपटा रहता है लेकिन उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ अलंकार हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है वैवर्ण, वैवर्ण किस प्रकार का भाव है, ऐसे भी प्रश्न आपके खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वैवर्ण आपके किसके अंतर्गत आएंगे, विभाव अनुभाव संचारी भाव और अस्थायी भाव। हमने विभाव के अनुभव सारी चीजें बताई थी कि अनुभव यहाँ होगा अनुभव विकल्प ये होगा अनुभव के अंतर्गत, लेकिन कैसे होगा, भावों को उद्दीप्त करने वाले विभाव कहलाते हैं, लेकिन जो आंतरिक मनोभावों को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं अनुभव। इसके भेद होते हैं चार, कायिक मानसिक सात्विक और आहार। तो ध्यान दीजिएगा जो सात्विक अनुभव होते हैं सात्विक अनुभव की संख्या होती है आठ, तो उसी में वैवर्ण का स्तंभ स्वेद रोमांच वैवर्ण आदि नाम आते हैं, इसलिए यह अनुभव के अंतर्गत आता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि यह आपको आज का वीडियो जो भी आपने देखा जितने लोग देखे होंगे सब लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। और आपको एक काम करना है कि आपको टीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आपके पास एक नंबर है, वह मैं नंबर आपको दे रहा हूँ। जैसे आपके पास 8400333260 इस नंबर पर आप कॉल करके आप डेमो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं या एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में आप जान सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।